रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता शटलर पीवी सिंधु, कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक, जिमनास्ट दीपा कर्माकर व बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को आज यहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हाथों बीएमडब्ल्यू कारें भेंट की गई। हैदराबाद जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष चामुंडेश्वर नाथ ने इन चारों खिलाड़ियों को हाल में समाप्त हुए रियो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए ये लग्जरी कारें भेंट में दी। तेंदुलकर रियो ओलंपिक में भारतीय टीम के सद्भावना दूत थे। उन्होंने यहाँ गोपी चंद बैडमिंटन अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम में कारों की चाबियां इन खिलाड़ियों को सौंपी। मुख्य कोच गोपी चंद के मार्गदर्शन में सिंधु ने रजत पदक जीता था, जिससे वो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। पहलवान साक्षी ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 58 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया था। दीपा काफी करीब से पदक से चूक गई थी। वो अपनी वर्ल्ड स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही थी। देश के दिग्गज खिलाड़ियों को एक साथ देखना वाकई में खुशी देता है। सिंधु, साक्षी और दीपा ने देश का सम्मान बढ़ाया है, तो उनका इस तरह सम्मान तो बनता ही है। देखते रहिए डीबी लाइव।